मैं उमेश व्योम टीवी के इस लाइव और नॉन लाइव सेगमेंट पेज में आप सभी का स्वागत करता हूं। मैंने सदैव एक बात कहा है और आज भी हम कहने जा रहे हैं, ना हम पक्ष की बात करते हैं ना हम विपक्ष की बात करते हैं, समस्याओं के समक्ष की बात करते हैं। आज हैं हमारे साथ डॉक्टर नीलम मिश्रा जी, जो JMM की वरिष्ठ नेत्री भी हैं, साथ ही साथ मीडिया पैनलिस्ट भी हैं। परिचय का मोहताज नहीं है किसी भी कंडीशन में, लेकिन सबसे बड़ी बात होता है जब आप किसी भी राजनीति में हैं तो उतार चढ़ाव का विषय तो हमेशा बनेगा। सबसे पहले हम लोग अपने चैनल पर उनका स्वागत जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैडम कैसी हैं जी? बहुत बढ़िया, आशीर्वाद, मतलब आप लोगों का प्यार और ईश्वर का आशीर्वाद है, सब कुछ बहुत बढ़िया है। चलिए पहला स्टेटमेंट करेंगे जहाँ से आप राजनीति स्टार्ट करते हैं, हिम्मत है तो हिम्मत है, बाकी में हिम्मत नहीं था क्या? देखिए, बाकी में अगर हिम्मत होता तो धनबाद की स्थिति आज ऐसी थोड़ी ना होती। सिर्फ बड़ा बड़ा मतलब बयानबाजी करना और लोगों के बीच में जा कर के लोगों को बेवकूफ़ बनाने वाली बातों को लेकर के आगे बढ़। आज झारखंड अलग राज्य हुए, 22 साल हो गया, मान लीजिए इसमें से हम 2-3 साल अपने सत्ता में नहीं रहे क्या 2-3 सालों में? जी बिल्कुल, सत्ताविहीन ही इसको आप कह सकते हैं। झारखंड अलग सत्ता में रहकर मैडम अपने आप को आप सत्ताविहीन करके लोगों के प्रश्नों से बचना चाहती हैं लग रहा है? सीरियसली अगर हम माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी सरकार काम कर रही है तो लास्ट 1 साल से हम लोग काम कर रहे हैं और वो काम दिख रहा है। डॉक्टर नीलम मिश्रा जी से जब हम बात कर रहे हैं तो मुझे लग रहा है कि द बेसिक थिंग इज दैट व्हाटएवर द स्टेटमेंट दैट यू आर गोइंग टू एक्सप्लेन हियर, इट मस्ट बी एक्स्ट्राऑर्डिनरी। मैं डॉक्टर नीलम मिश्रा जी से बात कर रहा हूँ, आई एम धनबाद, क्या आप मानते हैं कि आप भी धनबाद के? बिल्कुल बिल्कुल, मैं धनबाद की हूँ, आई एम ऑल्सो धनबाद, क्योंकि धनबाद आई एम धनबाद की जो टीम है वो भी आकर के हमसे मिली है, बात की है। लेकिन आई एम धनबाद में क्या होना चाहिए था? देखिए, आई एम धनबाद जो है इसमें सबसे बड़ा समस्या जो हमारे धनबाद के लिए है वो क्या है, यहाँ का जाम। धनबाद कोयला का खान, इसको डायमंड सिटी भी बोला जाता है, तो उस हिसाब से धनबाद में क्या है, आज तक धनबाद को हम एक अच्छा एम्स नहीं दे सके। एक आपका एयरपोर्ट यहाँ से चला गया, एम्स यहाँ से चला गया, जब धनबाद में भाजपा के ही सांसद हैं, भाजपा के ही विधायक हैं, भाजपा के ही मेयर रहे और पूरी सत्ता और पूरा प्रशासन पूरे BJP के मतलब कैप्चर में रहा, अंडर रहा, और 22 साल झारखंड अलग राज होने के बावजूद भी करीबन 20 साल तक भाजपा सत्ता में शासित। आपके दरवाजे पर आने से पहले लोगों को बिल्कुल कतई सोचना नहीं चाहिए और ये समझना चाहिए कि मैं एक दीदी के पास जा रहा हूँ, मेरी समस्या का समाधान होगा। दीदी कब बैठी, दीदी आप कब बैठी, कहाँ बैठी और किस दरवाजे पर बैठी लोगों की समस्या? मेरा दरवाजा हमेशा सबके लिए खुला रहता है और मैं लोगों के लिए, लोगों का सेवा जिस तरह से मैं करती हूँ, चाहे वो फ़ोन के माध्यम से हो या मुझे खुद वहाँ उपस्थित होकर के करना हो, मैं कभी उससे पीछे नहीं हटती, क्योंकि मैं अगर राजनीति में हूँ तो मैं लोगों के लिए हूँ। हेमंत जी का 3 बड़ा काम आप गिनवाइए हमें। देखिए, हेमंत जी का तो काम इतना है कि मैं हाथ में गिना नहीं पाऊँ। चलिए 3 ही गिनवाए। नहीं, डॉक्टर नीलम मिश्रा, आई एम टॉकिंग टू दैट एंड यू हैव टू टेल मी द ओनली 3 वर्क्स व्हिच आर क्वाइट पॉजिटिव इन धनबाद, 3 काम मैडम। देखिए मैं बता रही हूँ, उनका सबसे बड़ा काम जो था, सबसे बड़ा काम वो सर्वजन पेंशन को लागू करना, जो कि पेंशन बंद हो चुका था, जो बुढ़ापे का बहुत बड़ा सहारा है। आप अगर मुख्य काम बोलेंगे, हालांकि उनका सारा काम बहुत महत्वपूर्ण रहा है, लेकिन पुरानी पेंशन को उन्होंने लागू करके एक बुढ़ापे को बहुत बड़ा सहारा देने का काम उन्होंने किया है, जिसके चलते ही उनके दरवाजे पे ढोल नगाड़ा के साथ लोगों ने उनकी व्यवस्थाओं को, उनकी योजना को स्वीकार किया। दूसरा था उन्होंने जिस प्रकार से, देखिए मेन जो मुख्य चीज़ होती है ना वो होते हमारे झारखंड की किशोरियों की क्या स्थिति थी। यहाँ की किशोरियों को मतलब कि लोग उठा के ले जाते थे, ना जाने किस तरह की प्रलोभन दे करके यहाँ की बच्चियों को बाहर में। दुमका का घटना आपको पता है मैडम? बिल्कुल पता। आप एक घटना, एक पहले मेरी बात को कंप्लीट करें फिर मैं दुमका में भी आऊँगी। यहाँ की किशोरियों को देखिए किस प्रकार से बाहर ले जा करके काम के बहाने ले जाया जाता था, उनको ना जाने कहाँ बेच दिया जाता था। त्रि समृद्धि योजना, किशोरी समृद्धि योजना के माध्यम से आज बच्चियों को क्लास 1 से क्लास 4 तक 2,500 की रुपया और क्लास 8 से लेकर के 10 तक आप 5,000 की रुपया, और जब बच्ची पढ़ के निकलती है 40,000 रुपया एक मुश्त उनको मिल रहा है, ये कितना बड़ा सहारा। एक और मैं बता देती हूँ, उन्होंने जो अभी पारा शिक्षकों के साथ किया,
आंगनबाड़ी जो सेविका सहायिका बहने किस प्रकार के रघुवर दास के टाइम में किस प्रकार से सड़कों पे उतर करके आंदोलन कर रही थी। विपक्ष का काम है आवाज उठाना, लेकिन जब सरकार काम कर रही है तो आपका धर्म बनता है कि आप सरकार का सपोर्ट करें, तब जब सरकार जनता के लिए काम कर रही है। इंडिविजुअल में बात करूं मोदी जी से, डॉक्टर नीलम मिश्रा का लगता है कि कोई काम सही से हो रहा है या नहीं हो रहा? मैं आपका पब्लिक ओपिनियन पे नहीं, सेल्फ ओपिनियन पे जाऊं, क्या कहें? मोदी जी से हमारा कोई समस्या नहीं है, व्यक्तिगत रूप से देखा जाए तो मोदी जी बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, लेकिन आपके व्यक्ति से देश नहीं चलेगा ना। देश का जो इशू है, जन समस्या है। वही तो बात है, हेमंत जी से भी आपका राज्य नहीं चलेगा ना। आप अगर बात करेंगे कि मोदी जी का, मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि मैं उनका प्रशंसक हूँ, मेरा काम है पूछना, क्योंकि मैं डंके की चोट पर मैं सारी बातों को रखता हूँ। इसी बात हेमंत है तो हिम्मत है, पर क्या हर व्यक्ति संतुष्ट है आपका राज्य? देखिए, हेमंत है तो हिम्मत है। हेमंत सरकार हुए 3 साल होने के बावजूद भी ये 1 साल के दरमियान उन्होंने जो काम किया है ये काफ़ी है समझने के लिए कि अगर ये आने वाले समय में भी रह गए। मैं डंके की चोट में, जैसे आप सवाल कर रहे हैं ना, वैसे ही मैं डंके की चोट में आपको जवाब देना चाहती हूँ कि अगर हमारे सीएम साहब और एक सेशन रह गए तो उनका काम दिखेगा। लेकिन मैं डंके की चोट में कह सकती हूँ कि अगर हमारे सीएम साहब और भी रह गए ये सेशन के अलावा, और अगर उनको 5 साल भी समय मिल जाता है। मन में शंका है क्या? रहेंगे, मुझे तो लगता है कि रहना चाहिए। बिल्कुल रहेंगे। अगर मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि देखिए, मैं भविष्यवक्ता तो नहीं हूँ कि मैं बोल दूँ कि हाँ भाई है, काम करेंगे तो जरूर। कि आने वाला चुनाव जो 2024 में होगा, हम लोग फिर से पूर्ण बहुमत के साथ हम लोग सरकार में आएंगे। 1932 मैडम नियोजन नीति को बनाकर रखा गया, लेकिन जितने आंदोलनकारी हैं कहीं ना कहीं उनके मन में थोड़ा सा असंतुष्टि की भावना है कि सरकार ने जिस तरीके से रखा, मुझे लग रहा है एक प्रलोभन के तौर पे रख दिया गया। वो असंतुष्ट हैं, उन्हें क्या कहेंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है कि किसी भी चीज़ को विपक्ष जो है ना वो सीन बनाते हैं। ये विपक्ष का सीन कहाँ मैडम? यह भाषा संघर्ष समिति वाली बात है। आपको तो आप पहले नहीं, यहाँ पर आप विपक्ष, देखिए मैं आपको इंटरप्ट इसलिए कर रहा हूँ कि आप बार बार बीजेपी को आड़े ले रही हैं। मेरा बीजेपी से कोई मतलब नहीं है। 1932 में भाषा संघर्ष समिति बिल्कुल कटाक्ष तरीके से माननीय मुख्यमंत्री का घेराव मुझे लगता है बहुत कम समय में करने जा रहे हैं। हम वही तो बोल रहे ना कि लोगों को दिग्भ्रमित करना और लोगों को भटकाना, ये विपक्ष का काम होता है। आप बताइए कि 1932 का अगर इतना ही उन्हें चिंता थी, इसके पहले उन लोगों ने क्यों नहीं किया? और ये जो 1932 का जो बात है, इसको तो पूरी तरह से लागू करना है ना, हवा हवाई तो करना नहीं है। थोड़ा समय लगेगा। बिल्कुल समय लगेगा। अगर आप एक कानून बना रहे हैं तो उसका एक प्रावधान होता है, सांवैधानिक प्रक्रियाएं होती हैं। आप हमारे हाथ में तो सब कुछ है नहीं, हम प्रयास कर सकते हैं। हम लोगों ने कैबिनेट से पारित किया, विधानसभा से पारित, अब वो राज्यपाल के पास गया है, केंद्र के पास जाएगा, वो कानून बन करके आएगा। और इसमें केंद्र ही मोहर लगाने का जो भी शक्ति है उन्हीं के हाथ में है। एक बहुत बड़ी गुगली केंद्र सरकार के हाथ में लगी जा सकती है। आप गुगली नहीं कह सकते हैं, क्योंकि हम लोग जनता के साथ गुगली नहीं कर रहे हैं, हम लोग जनता के लिए काम कर रहे हैं। और जो शक्ति या जो अधिकार हमारे हाथ में है, हम वहीं तक कर सकते हैं। उसके आगे अगर कुछ हमको पुख्ता, उसमें एक मोहर, मतलब क्या बताएं, एक पुख्ता मोहर लगाना है कि हम रहे या ना रहे, यहाँ की जनता को किसी प्रकार की समस्या का सामना आने वाले समय में भी ना करना पड़े। देखिए, राजनीति है तो नीति संगत बात होगी, तर्क और वितर्क तो चलता रहेगा, लेकिन प्रश्न उठता है मुझे विकास चाहिए। बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि इनको खुद से, स्वयं से अपने पद से रिजाइन देना चाहिए। आज धनबाद की स्थिति क्या है? सिर्फ आप फीता काटने के लिए, रिबन काटने के लिए विधायक सांसद बने हैं क्या? आज यहाँ कोई गुमटी खुल रहा है तो वहाँ भी आप विधायक फीता काटने चल जाए? मना कर रही हैं क्या आप जाने से? देखिए, मैं मना नहीं कर रही हूँ। जनता आपको चुनी है, जनता के लिए काम कीजिए, सिर्फ फोटोबाजी करने के लिए आपको जनता नहीं खींची। हमारे जो विधायक महोदय हैं, हमारे जो सांसद महोदय हैं, उनके पास कोई विजन ही नहीं है धनबाद को लेकर के। और धनबाद की जनता, भोली भाली जनता सिर्फ मोदी जी को देख करके वोट करती है। मैडम, प्रशासन, आपका जिला प्रशासन कितना काम कर रहा? देखिए, प्रशासन अपना काम कर रही है, पक्का काम कर रही है। डंके की चोट, डंके की चोट, बिल्कुल डंके की चोट पे। कोयला चोरी देखते हैं मैडम? बाद में कोयला चोरी कब नहीं हुआ धनबाद? मतलब आपको लग रहा है कि ये चलने दिया जाए? बिल्कुल। आप धनबाद, हमारा कोयला का हब शुरू से रहा, धनबाद में आज आप देखिए ना, इतिहास पलट के देखिए आप, धनबाद में कोयला चोरी, बालू चोरी, ठीक है ना, गुंडागर्दी, दादागिरी यहाँ का फेमस है। आज हमारी हम ये नहीं कह रहे कि धनबाद में कोयला चोरी बिल्कुल बंद हो गया है, हम ये नहीं कह सकते हैं। लेकिन
प्रशासन जिस प्रकार से काम कर रही है धनबाद में, इसको आप पूरी तरह से नकार भी नहीं सकते। आप लोग थोड़ा सा इंतजार कीजिएगा, आप लोगों को मतलब प्रशासन और शासन सारा कुछ व्यवस्थित, हम लोगों को विश्वास दिलाते हैं कि वो मिलेगा आने वाले समय। बैंक मोड़ थाना प्रभारी को धमकी मिल गया मैडम। नहीं बिल्कुल, अगर इस तरह का कोई काम हो रहा है तो जाहिर सी बात है ये नहीं होना चाहिए, इसमें अंकुश लगना चाहिए। और आपराधिक तत्व को किस तरह से अंकुश लगाया जा सके, इस पे हम लोग सबको मिलकर गंभीर होने की ज़रूरत है, क्योंकि हम सब धनबाद के निवासी हैं। धनबाद के एक एक लोग सुरक्षित अगर रहेंगे तो ही हम एक अच्छा माहौल को हासिल कर पाएंगे। अपने आने वाले पीढ़ियों के लिए भी हमें सोचना चाहिए। डॉक्टर नीलम मिश्रा कुछ नया राजनीति बड़ा भविष्य में करने का सोच रही हैं? देखिए राजनीति में उतरी हूँ तो कुछ बड़ा ही सोच के उतरी हूँ। अब है कि मैं चूँकि पार्टी के साथ जुड़ी हूँ, एक जिम्मेवार पद पे भी हूँ, पार्टी का जो भी मतलब एजेंडा होता है उसको लेके मैं आगे बढ़ती हूँ। आने वाले समय में अगर पार्टी का आदेश होगा तो मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। यहाँ से मेयर का चुनाव हो तो मैं मेयर चुनाव लड़ूँगी, यहाँ का विधानसभा हो तो विधानसभा लड़ूँगी। तो इसलिए कोई परिधि नहीं है कि मैं बस इतना तक ही सेवा करूँ। बिल्कुल सेवा, खुद शक्तिशाली होंगे तभी आप पूरे शक्ति के साथ लोगों का सेवा भी करें। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। वो ऑस्टिन का संप्रभुता सिद्धांत आपने पढ़ा है, शक्ति का पृथक्करण भले हो जाए लेकिन यह बात सही है कि जब तक आपके हाथ में संवैधानिक शक्तियां नहीं होती है तब तक कहीं ना कहीं कटिबद्ध तरीके से हम चीज़ों को कर नहीं पाते। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, आपने जिस तरह से बात रखा। आम जनता धनबाद की तकलीफ में है या खुशी है वो तो 2024 में बताएगा, किस और किसका कद और पद जाता है वो भी 2024 तक हमें इंतजार करना पड़ेगा। बहरहाल आपने जिन मुद्दों की बात यहाँ की है, मैं उम्मीद करता हूँ आने वाले समय में आप जरूर जनता के साथ खड़ी मिलेंगे। धन्यवाद मैडम जी, बहुत बहुत।